भाई अपन आ गए हैं बेंगलोर फाइनली। और बेंगलोर में आते ही मैंने जोलो करके एक ऐप है उससे पीजी ले लिया था। तो ये पीजी का रूम है जो कि हम दो जने रह रहे हैं इस पीजी में। तो हमें इसका रेंट पड़ रहा है अकॉर्डिंग अराउंड 14,600 पर मंथ। और खाना मैंने नहीं लिया है, उसके अलावा हमें ये पड़ रहा है 14,600 पर मंथ। और घर से फ्लाइट में मैं एक ये इलेक्ट्रिक कुकर आता है ये उठा के लाया था प्रेस्टीज का। और अभी तक तो हमें, मैं 1 जुलाई को आया था, आज 4 जुलाई है, तो अभी तक हमने कुछ दिन तो ऑर्डर करके ही खाया है। जोमैटो है, जोमैटो बैक टू बैक, जोमैटो जोमैटो स्विगी बाहर रेस्टोरेंट्स में जाके ऑर्डर करके खाया हमने। यस। और रेनू आ गई, रेनू एकदम खतरनाक खौफ में कैमरा देखते ही। रेनू कैसा लग रहा है तेरे को बैंगलोर? अच्छा लग रहा है? रुको मैं आपको दिखाता हूँ जाके। यहाँ आसपास ठंडर भाई, बादलों की आवाज़, यहाँ का मौसम इतना सेक्सी है ना। अपन, मैं तो नॉर्थ साइड से आया था ना, मतलब उत्तराखंड से आया था, वहाँ इतनी गर्मी हो रही थी रामनगर हल्द्वानी। लेकिन यहाँ हर समय आसमान देखो ऐसे ही बादल रहते हैं, हल्की हल्की धूप आती है, बादल आते हैं, यही मौसम रहता है। तो इधर ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया है जिधर मैंने अपने लिए रूम देख रहा हूँ अभी, जो हम बाद में स्टे करेंगे, 1 BHK ढूंढ रहा हूँ। तो देखते हैं, वैसे 8 से 10 हज़ार की रेंज में दिख तो रहे हैं यहाँ पे, अच्छा मिलता है तो देखता हूँ। आज हम फर्स्ट दिन यहाँ पे खुद कुकिंग कर रहे हैं। आज हमने खुद ओट्स बनाए हैं, अभी खाएंगे उसे ब्रेकफास्ट में। कल हम विशाल गए थे भाई, इतनी भीड़ विशाल में भाई, मैं फर्स्ट टाइम किसी जगह लाइन में इतनी देर लंबा खड़ा रहा, फट गई भाई मेरी। मैं तो ज़मीन पे बैठ गया। मैंने थोड़ी देर बाद रेणु को बोला, जो वो लाइन होती है ना बिलिंग की, वो लाइन। और भाई मैंने फिर रेनू को बोला, मैं तो किनारे पे ज़मीन पे बैठ गया, मैंने कहा मेरे बस की नहीं है अब इतनी देर खड़े रहना। मैंने रेनू से बोला, रेनू तू खड़ी रह, तू खड़ी हो जा। फिर ये खड़ी हुई, इसने बिलिंग विलिंग करी और उसके बाद हम वापस आ गए। कल हम कितना चले हैं पता, कितना चले हैं रेनू कल? हम 5-6 किलोमीटर कल हम 5-6 किलोमीटर चले हैं भाई, पता नहीं, ऐसा लग रहा था कोई तो अल्ट्रा मैराथन रन कर रहा हूँ मैं, 5 से 6 किलोमीटर। फिर अभी तो मैंने ऑफिस जाना स्टार्ट नहीं कर रखा है, मेरा ऑफिस अभी स्टार्ट होने में टाइम है कुछ, तब तक वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। मेरा आईडी कार्ड ही नहीं बना अभी तक, तो ऑफिस कहाँ से जाऊँगा। तो ठीक है, यहाँ आके भी थोड़ा सेटल होने के लिए मेरे को टाइम मिल गया है। बाकी आगे क्या क्या होता है मैं शेयर करते रहूँगा, फिलहाल तो यही अपडेट्स हैं। बाय बाय। और ये हैं भाई अपने ओट्स जो कि बहुत ही मस्त लग रहे हैं और सच में बहुत टेस्टी हो रहे हैं। पता है असली रीज़न क्या है इसका? द रियल रीज़न बीइंग ये। और ये XXX कॉन्ट्रसा रम की बोतल नहीं है, ये एक्चुअली घी है जो हम घर से लेके आ रखे हैं। हालांकि ये, हाँ, यहाँ पर हमारे हमारी रम यही है, हम लोग तो ड्रिंक करते नहीं, तो हमारी रम यही है। रेनू मम्मी से बात कर रही है और बहुत ही टेस्टी ओट्स हो रहे हैं भाई। अभी अभी गेट पे आया बंदा, पीजी का मैनेजर। इस पीजी को ओपन हुए 7 ईयर्स हो गए हैं, तो इसने आके अपने को दो ये कपकेक टाइप के दिए हैं। अभी खा के देखता हूँ भाई कैसे हो रहे हैं हाथों हाथ, अभी के अभी खा के देखता हूँ कि कैसे हो रहे हैं। खोलना रेनू इसको जरा। रेनू की तो मेरे को पता है लार टपक रही है इन कपकेक्स को देख के। रेनू शक्ल देखा जरा अपनी, वैसे मेरा भी मन कर रहा है रे खाने का। हमारे पास दूध है ऑलरेडी, तो मैं सोच रहा था खाऊंगा, हेलो दूध के साथ भी खा सकता हूँ, नॉट अ बैड ऑप्शन। बट मैं हल्का सा खा के देखता हूँ कैसा है। रुको अब शायद मैं देखूंगा, नॉट बैड, थोड़ा गीला गीला सा है, बट दैट्स व्हाट शी सेड। पूरा नहीं खा रहा यार, पागल है क्या? पूरा कौन खाएगा? तो भाई यही है सीन्स। आज तो मेरी 12:30 बजे से शिफ्ट, तो इसलिए अभी ये व्लॉग बना रहा हूँ। ये पूरा वीक मेरी 12:30 से 9:30 है शिफ्ट, तो यस, जब तक अपने को ऑफिस नहीं जाना होता तब तक मैं ऐसे ही मजे लेने वाला हूँ। बाकी पीछे ये टीवी है, अगर दिख रहा है तो ये टीवी चलता है, हाँ हम इस पे देखते हैं क्या। भाभी जी घर पर हैं, अगर कोई देखता है तो बताओ। तारक मेहता तो देखना बंद किया अभी, भाभी जी घर पर हैं, देखता हूँ मैं इस पे कभी कभी, फनी आता है लंच टाइम पे। कैसा लगा रेनू तेरे को कपकेक? सच्ची सच्ची बता, रेनू ने अभी अभी खाया ये कपकेक और सीधे थूका, शी जस्ट रियलाइज्ड कि इसमें अंडा है। वैसे मैं भी नहीं खाता अंडा, बट हाँ मैं इतना वो नहीं करता, मतलब ऐसे तो खा ही लेता हूँ। रेनू पिस्ड ऑफ, रेनू शॉक्ड, मोहित रॉक्ड। अभी मैं मस्त दोनों कपकेक खाऊंगा, उधर मेरा कैटल में दूध गर्म हो रहा है।
तो रेनू की शक्ल देखो एक बार, रेनू अपनी शक्ल देखा एक बार। हाँ तू चौको पाए खा ले जो तू लाई है, चौको पाए है और तेरे इसमें एक बिस्किट भी है डार्क फैंटेसी। कहाँ मिल गया? सबसे ऊपर मैंने ही रखा है। ये तो डार्क फैंटेसी का ही है ना, चोको पाई खत्म हो गया है क्या मेरा? चौको पाए पता नहीं, अगर तूने रखा होगा तो होगा, नहीं रखा होगा तो नहीं होगा। तुम खाते हो मेरा चोको पाई? मैं नहीं खा रहा चौको पाए, मुझे शौक भी नहीं है वैसे ये सब चीजों। तो भाई यही सब इन्फॉर्मेशन बस देना चाहता था आज के व्लॉग में, और अब इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे जो जो होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगा। अभी फ़िलहाल हमें एक फ्लैट ढूंढना है अपने लिए और उधर शिफ्ट होना है। अभी तक ऑफिस नहीं गया हूँ, फर्स्ट टाइम ऑफिस जाऊँगा क्योंकि मैंने ज्वाइन ही कोविड टाइम पे किया था। तो लेट्स सी क्या क्या होता है। बाय बाय।